ट्वेल्थ का दिन सबको मालूम है, ओमानी माइनर गर्ल 17 इयर्स 2 मंथ्स का उमान लेडी किडनैप हुआ, उसका आशी के साथ फरार हुआ बोल के वो केस रजिस्टर करे उसके माँ का कंप्लेंट पे। वो इन्वेस्टिगेशन में दो टीम हम लोग रखे थे, एक टीम बेंगलुरु भी जाए थे, एक टीम हैदराबाद में फिर रहे थे। हैदराबाद टीम वाले को पटनचेरू में रात में 2:30 को बच्चा का मामू का घर में मिले हैं, उन दोनों को कस्टडी में लिए नाइट 2:30 को कस्टडी में लेके पुलिस स्टेशन लेके आके उन लोगों को पूछताछ करे। उस दिन दोनों मर्जी से घर में से पैसे लेके बच्ची बच्चा दोनों भाग गए। पहले पूना गए, पूना से बेंगलुरु गए, बेंगलुरु से हैदराबाद आए। बेंगलुरु के पास शादी कर लिए बोल के, निकाह कर लिए बोल के बोल रहे उन लोग, अभी वो वेरीफाई करने का है। बच्ची माइनर है, वो उन उसके मम्मी के पास उसके घर के पास नहीं जा तुम बोल रहे थे। हम लोग बच्ची को भी कोर्ट में 164 स्टेटमेंट करा रहे, वो मजिस्ट्रेट का होम में रखो बोल के बोले, वो उसको आज होम में रख रहे। बच्चा को अतिक उन माइनर गर्ल को किडनैप करके बोल के 363 में रिमांड करके कोर्ट को भिजाया है। अभी बच्ची नूर हॉस्पिटल में बर्थ हुआ बोल के मालूम हुआ, 10th क्लास तक यहीं पढ़े है। उमानी नेशन का पासपोर्ट आया है उसको, मगर वो वेरीफाई करना है। बच्ची यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़े 10 तक, सनली स्कूल में 10 तक पढ़े है। नूर अहमद हॉस्पिटल में उन बर्थ दिए है, वो इन्वेस्टिगेशन में मालूम होता है। बच्चा कुछ भी काम नहीं करता, बेवरीजर है, बाबा नगर में उसका घर के सामने रहते थे। 3 साल से दोनों प्यार हो गए, तो बच्चा उसके बगैर नहीं रहे तुम बोल के बोल रहे स्टेटमेंट दिए, फिर भी माइनर है। हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस करें माइनर गर्ल को, आज रात को होम रख रहे, फिर बाद में डिसाइड कोर्ट कैसा डिसाइड करते देखें। बच्चा मेजर है, 22 ईयर्स है अतीक को, उसका इसलिए उसको रिमांड करके कोर्ट के सामने पेश कर रहे। अभी उसका बैग चेक करने का है, बैग चेक करे तो मालूम होता, अभी टाइम नहीं है बोल के हम लोग रिमांड को भेज दिए। 24 आवर्स में अपन रिमांड करना है, और आने के बाद फिर वेरीफाई करके फिर बता देंगे आपको। हाँ, 363 किडनैप केस है।